अखिलेश सर है वो मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते घर रूम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मिथिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर एक छात्रा ने अश्लील मैसेज भेजने, कॉल करके गंदी बातें करने और नोट्स देने के बहाने गलत नियत से घर बुलाने का आरोप लगाया है। छात्रा ने कुलपति से इसकी शिकायत की है। सुनिए छात्रा प्रोफेसर पर क्या आरोप लगा रही है। अखिलेश सर है वो मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए समझ देते, लेकिन बात फिर कुछ और जो हम ऐसे हैं ये है वो फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस इसलिए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते कि जो हम इतना लोग के लिए हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं, पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया उनको। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसके या फिर कुछ नहीं किया? किए हैं ना शिकायत। कहाँ किए हैं? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो सर, उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में। जी, 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 जी।